नमस्ते दोस्तों, आज टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेक्शन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे टू डे इवेंट इन द मंथ ऑफ जून। होपफुली यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस सेशंस आल्सो। फॉर द टुडेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट, आज हमारे लिए फर्स्ट इवेंट है सलमान रश्दी, उन्होंने जो नई बुक लॉन्च की हुई है उस बुक का जो नाम है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से लेके 2020 तक। तो मैं फिर से इस बुक का नाम आपसे दोहराता हूँ, नाम है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 टू 2022। अगर इस बुक से भी उन्होंने मेंशंस किया हुआ है कि ये बुक में अलमोस्ट कुछ व्यवहारिक और कुछ इंस्पायरेटिव ईसेज तो है, एट द सेम टाइम उसमें क्रिटिज्म भी है, आलोचना भी उन्होंने की हुई है और स्पीच का, भाषणों का उसमें संग्रह भी किया हुआ है। तो इस बुक को जो प्रकाशित किया था उस हाउस का नाम रैंडम हाउस है और हम सभी लोग जानते हैं कि एज द बुक मेंशंस कि ईसेज इट इज़ फ्रॉम 2003 से लेके 2020 तक है। तो ऑलमोस्ट इस बुक में इसी पीरियड में 2003 से लेके 2020 के बीच आपको साहित्य और संस्कृति में जो बदलाव आए हैं उसी के बारे में आपको लिखा हुआ मिलता है। और इसके अगर सलमान रश्दी की बात हम कर लेते तो उनके कुछ फेमस बुक भी हमें याद होनी चाहिए। जो उनका सबसे फेमस बुक है उसे हम मिडनाइट चिल्ड्रन कहते हैं। नेक्स्ट जो बुक है उनका नाम है सेम बुक है। एट द सेम टाइम्स छोटा सा हम नहीं जानते क्यू चोटे, स्पेलिंग में रिपीट कर रहा हूँ, क्यू यू आई सी एच ओ डबल टी ई, ये भी बुक इसमें है। हमने फर्स्ट पॉइंट देखा सलमान रश्दी और उनकी बुक के बारे में। उनकी बुक का नाम है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से लेके 2020 तक। उसी के साथ हम सलमान रश्दी के इम्पॉर्टेंट बुक भी देखे, उनका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रंस। इन द सेम वे वी हैव दी दूसरा जो नाम है सेम और एक क्यू चोटे, ये उनका नाम है। आज के लिए हमारी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुर्खियाँ रहेगी एक राष्ट्र एक मानक, जिसे हम वन नेशन वन स्टैंडर्ड, ये जो स्कीम है इस स्कीम में जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हुआ है उसका नाम है RDSO। RDSO का लॉन्ग फॉर्म अगर हम देखेंगे रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आज के लिए सेकंड समाचार है या सेकंड MCQ हो सकता है, जो वन नेशन और वन स्टैंडर्ड स्कीम है, वन नेशन और वन स्टैंडर्ड स्कीम के तहत रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन उसी का संक्षिप्त रूप RDSO है। ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये फर्स्ट संगठन है, ये संगठन इसमें संस्थान हम कहेंगे इसमें शामिल हुआ है। इसी में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड ये जो स्कीम है इट इज़ लॉन्च बाय इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो, या हम उसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म उसका, सॉरी शॉर्ट फॉर्म उसका BIES है। तो ये जो RDSO ये संस्थान है, ये संगठन है, उसके लिए ये मानांकन नेक्स्ट 3 ईयर तक दिया जाएगा, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। और ये पर्पज़ क्या है, हमेशा हमें ये भी क्वेश्चंस या आपके मन में होना चाहिए कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड ये स्कीम जो है, ये स्कीम हमारी BIES जिसे भारतीय मानक ब्यूरो ने लॉन्च किया था, तो भारतीय मानक ब्यूरो ने उसे तो लॉन्च किया था 1 जून 2021 में। और किसके साथ ये लॉन्च किया था, तो ये वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम ब्यूरो ऑफ हमारी इंडियन जो भी इंस्टीट्यूट है जिसे हमने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहा है, तो जो मिनिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व होती है उसमें रेलवे मिनिस्ट्रीज भी है और मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स जिसे हम उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था BIES के थ्रू। तो
आरडीएसओ ये जो सिस्टम्स है आरडीएसओ ये मोस्टली जिसने हमने कहा कि रिसर्च डिज़ाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो रेलवे सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट उत्पादित किए जाते हैं ना उसके लिए ये स्टैंडर्ड बॉडी है। तो वन नेशन और वन स्टैंडर्ड स्कीम का उद्देश्य यही है, एज इट इज़ दी स्टैंडर्ड मानक, जिसे हम मानक कहते हैं, कि विभिन्न जो भी विकास संगठन है, जो भी विकास संस्थान है, जो भी स्टैंडर्ड विकास संस्थान होते हैं, कि जो भी वेरियस स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका जो मेन पर्पस है उनको एक सिनर्जाइज करना, उनके सभी स्टैंडर्ड प्रयासों को, उनके मानकों को एक दिशा देना, एक तालमेल देना, इसके लिए वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम है। हम फिर इस सेकंड पॉइंट को दोहराते हैं, आरडीएसओ ये रेलवे सेक्टर में काम करने वाली स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है। आरडीएसओ का लॉन्ग फॉर्म्स है, एक हमने मेंशन किया रिसर्च डिजाइन एंड द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन को वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना की तहत फोइला संस्थान मानक संस्थान बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये भी देखा कि ये जो वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम है, ये भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं, इसी के द्वारा ये सभी जगह पे लॉन्च की जाती है। ये पॉइंट भी हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए इतना भी इम्पोर्टेंस होता है कि ये तो सभी जगह लॉन्च तो की जाती है ये स्कीम, लेकिन जिस मंत्रालय इस स्कीम के लिए इन्वॉल्व होते हैं उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय होते हैं। आज का तीसरा समाचार एमसीक्यू के तौर पे हमारे ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो वर्चुअली कंक्लूड हुई थी। ब्रिक्स यहीं पे आपको उनका लॉन्ग फॉर्म मालूम होना चाहिए। ब्रिक्स के लिए ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका होता है। तो ब्रिक्स में फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो थे यस जयशंकर थे, और ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो मीटिंग थी जिसे इंडिया ने मेजबानी की थी, ये भारत 2021 की 30 या 13वीं ये ब्रिक्स समिट था। इस ब्रिक्स समिट में सबसे ज़्यादा जिसी के ऊपर हम कहेंगे वक्तव्य या अपनाया गया, वो जारी कर दिया जो सिस्टम थी, जो ब्रिक्स जॉइंट मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट ऑन द स्ट्रेटनिंग द एंड द रिफॉर्मिंग ऑफ अ मल्टीलैटरल सिस्टम। तो बहुपक्षीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और सुधार पर ये ब्रिक्स की संयुक्त मंत्री स्तरीय वक्तव्य को अपनाया गया, जारी किया गया। उसका मतलब यही होता है कि मल्टीलैटरल सिस्टम का मतलब होता है आज हम देखना चाहते हैं IMF, अब देखना चाहते हैं वर्ल्ड बैंक, देखना चाहते हैं यूनो, देखना चाहते हैं तो ओनली कुछ चुनिंदा नेशंस होते हैं, जिस तरह से अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप नेशन का उनके ऊपर प्रभाव होता है। तो ब्रिक्स नेशन का फॉर्मेशन और उनका जो एजेंडा था कि स्ट्रेटनिंग एंड रिफॉर्मिंग ऑफ अ मल्टीलैटरल सिस्टम, जो भी मल्टीलैटरल सिस्टम में कुछ चुनिंदा राष्ट्रों का जो प्रभाव है उस प्रभाव को सीमित करना, बाकी देशों के प्रभाव को भी एक रास्ता देना, ये काम था। तो 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ज्वाइन हुआ था, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमने कवर किया ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स की 13th मीटिंग इंडिया ने कंक्लूड की, जहाँ भारत के हमारे विदेश मंत्रालय के जो मंत्री थे उनका नाम जयशंकर था, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया या उन्होंने उसकी मेजबानी की थी, हम यस जयशंकर सर की यहीं पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेटनिंग एंड रिफॉर्मिंग द मल्टीलैटरल सिस्टम के ऊपर भरोसा कर दिया, ये भी पॉइंट हमें याद रखना चाहिए। आज के लिए हमारा फोर्थ पॉइंट है 2 जून के लिए। 2 जून हमेशा तेलंगाना इस राज्य में स्थापना दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इस 2 जून के लिए हमें ये भी याद होना चाहिए था कि तेलंगाना ये 29th स्टेट 2 जून 2014 में स्थापित किया गया था, और ये स्थापित करने के लिए जो एक्ट का पुनर्गठन कर दिया था, रीऑर्गेनाइजेशन किया था, वो था आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसे हम APRA कहते हैं, 2014 का एक पुनर्गठन किया था।
तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, जिसे आंध्र प्रदेश हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहते हैं, APRA कहते हैं। आज अगर तेलंगाना की हम बात कर लेते हो तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो है के चंद्रशेखर राव है और गवर्नर जो है तमिलसाई सौंदर राज है। तेलंगाना के बारे में अगर बाकी हम फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं तो तेलंगाना के लिए 17 लोकसभा सीट है और राज्यसभा के लिए 7 सीट होती है। तेलंगाना का स्टेट एनिमल चीतल है और आज तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। उसके साथ भी तेलंगाना में आज टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगर हम लार्जेस्ट स्टेट की अगर बात कर लेते हैं तो लार्जेस्ट स्टेट में तेलंगाना का जो नंबर आता है वो 11वां आता है और आबादी के हिसाब से जो नंबर आता है वो 12वां आता है। तो ऑलमोस्ट हमने 2 जून ये तेलंगाना का स्थापना दिन है और हमने ये भी देखा कि तेलंगाना का ये स्थापना दिन 8वां स्थापना दिन है। इसका मतलब तेलंगाना राज्य की स्थापना जो हुई थी 2 जून 2040 में हुई थी, किस एक्ट के थ्रू, जिस तरह से हमने कहा आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना हुई थी, ये भी पॉइंट हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है ये आता है लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह के बारे में। तो लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को जो हमारी कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह हमारी जो कमांड है, कौन सी कमांड की बात हमने की, अंडमान निकोबार की कमांड। अंडमान निकोबार की कमांड के प्रमुख कौन है, तो चीफ इन जिसे हमने मेंशंस किया था, चीफ इन सी या कमांडर इन चीफ उसे हम कहते हैं, चीफ इन कमांडर, कमांडर इन चीफ जो अजय सिंह है, जिसका शॉर्ट फॉर्म भी CINCAN है। CIN स्टैंड फॉर द कमांडर इन चीफ, जिसका शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम है CINC कैपिटल में कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान निकोबार। तो उनके लिए ये अपॉइंटमेंट उन्हें कर दिया गया है। ही विल गोइंग टू बी दी CINC फॉर द अंडमान निकोबार कमांड। इसके साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि टोटली वी हैव अ नंबर ऑफ कमांड, तो हमारे पास देश में जो अलग अलग कमांड हैं आर्मी के लिए उनकी सेंटर्स या उनका स्थान कहाँ पर होता है, ये हमें देखना यहाँ डेफिनेटली इम्पोर्टेंस होगा। अंडमान निकोबार कमांड की अगर हम बात कर लेते हैं ना, दिस कमांड की जो खासियत है ना, वनली कमांड विच हैव द ऑल द 3 आर्मी सर्विसेज थिएटर कमांड। जो भी हमारे लिए अंडमान निकोबार कमांड की बात आती है तो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी के लिए ये ट्राई सर्विस की थिएटर कमांड है और उनका हेडक्वार्टर जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है। हम कुछ हेडक्वार्टर देखना चाहते हैं, अगर वेस्टर्न कमांड की बात कर लेते हैं तो चंडी मंदिर हरियाणा ये उनका लोकेशन है। ईस्टर्न कमांड का लोकेशन या हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो कोलकाता वेस्ट बंगाल ये लोकेशंस है। नॉर्दर्न कमांड की बात कर लेते हैं तो जम्मू कश्मीर में उधमपुर ये उनका हेडक्वार्टर है। सदर्न कमांड की बात कर लेते हैं तो पुणे में महाराष्ट्र में ये लोकेशंस है। सेंट्रल कमांड की बात कर लेते हैं तो लखनऊ यूपी में ये उनका हेडक्वार्टर है। और साउथ वेस्टर्न कमांड की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जयपुर राजस्थान में हेडक्वार्टर है। और आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है ये ऑलमोस्ट हमारे लिए शिमला या हिमाचल प्रदेश में आती है। तो कुल मिला के हम अगर देखने की कोशिश कर लेते तो आज हमारे पास 8 कमांड है। 8 कमांड के हेडक्वार्टर भी हमने मेंशंस किए। ये पिक्चर्स में क्यों था, ये पिक्चर्स में इसलिए था जो लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह है वो 1 जून 2021 से विल गोइंग टू कमांड CINCAN, जिनका लॉन्ग फॉर्म मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान निकोबार कमांड के लिए वो चीफ की तौर काम करेंगे। ये आज के लिए सुर्खिया पॉइंट हमारे लिए थी। और अंडमान निकोबार कमांड की हमने बात की कि अंडमान निकोबार कमांड ये तीनों ट्राई सर्विस के लिए थिएटर कमांड है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो वी हैव द हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रीज हैं, उन्होंने जो प्लेटफॉर्म जो भी नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज हैं, जिसे हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण कहते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का जो IT प्लेटफॉर्म है, तो मेजर जो हेल्थ स्कीम्स है
उनको उन्होंने डिजिटाइज किया, उनको उन्होंने डिजिटल संस्करण में लॉन्च किया। ये हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है। सेकंड लास्ट पॉइंट हमने ये देखा कि जो हमारे हर्षवर्धन डॉक्टर हेल्थ इंडियन हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ है, राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य प्राधिकरण है, उनके जो एक चुनिंदा हेल्थ स्कीम थी, उन सभी हेल्थ स्कीम के लिए ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म पर उनको ज्वाइन किया, उनको डिजिटल कर दिया। तो ये कौन से स्कीम थी कि जो हेल्थ के बारे में, तो फर्स्ट स्कीम था जिसे हम केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना कहते हैं, जिसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस होता है। 1954 में शुरुआत की थी। मोस्टली केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, जो पेंशनर्स होते हैं या उनके ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं, उनकी देखभाल की सुविधा के लिए ये केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना है, इसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कहते हैं। नेक्स्ट स्कीम को आईटी प्लेटफॉर्म में उन्होंने तब्दील कर दिया, वो है राष्ट्रीय आरोग्य निधि। तो ये 1860 के तहत उसका संगठन किया गया था, और मोस्टली जो गरीबी रेखा के नीचे जो पीपल्स होते हैं, मोस्टली बिलो द पॉवर्टी लाइन, और उनको कुछ मेजर थ्रेटनिंग डिसीज हो जाते हैं, जानलेवा बीमारी हो जाती है, तो उनके लिए मैक्सिमम 2 लाख की सहायता इस राष्ट्रीय आरोग्य निधि इस स्कीम से दी जाती है। और जो थर्ड स्कीम है, उन्होंने उसको आईटी में संस्करण कर दिया, उनका नाम था हेल्थ मिनिस्टर डिस्क्रिशनरी ग्रांट, जिसे हम विवेकाधीन अनुदान भी कहते हैं। इसके तहत ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, उनको एक विवेकाधीन अधिकार दिया जाता है, उनकी तरह ये अनुदान जो होता है गरीब मरीजों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता कर सकते थे। तो ये आज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पिक्चर्स में क्यों था, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 इम्पॉर्टेंट स्कीम थी, उन 3 ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को हमने NH के IT प्लेटफॉर्म में उनको हमने तब्दील कर दिया। ये 3 स्कीम कौन सी थी? तो फर्स्ट जो स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम थी, नेक्स्ट जो स्कीम थी राष्ट्रीय आरोग्य निधि थी, और जो थर्ड स्कीम थी हेल्थ मिनिस्टर डिस्क्रिशनरी ग्रांट था। और आज के लिए ये लास्ट खबर, जो लास्ट सुर्खियों में आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करती थी, माइक्रोसॉफ्ट। हम सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी ने फर्स्ट एशिया पैसिफिक एक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लॉन्च किया। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, ये सेक्टर का नाम है एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर, जिसे हम यहीं पे AP या PSC भी कह सकते हैं, एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, जो IIT की बॉस कंपनी है, उसने एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो इस परिषद में मोस्टली ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपाइंस और सिंगापुर इस राष्ट्र का सहभाग था, उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। एशिया पैसिफिक ये जो मींस है, एशिया पैसिफिक जिसे हम APAC भी कहते हैं, या एशिया, ये यहाँ ए स्टैंड होता है एशिया के लिए और पैक स्टैंड होता है पैसिफिक के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक मल्टीनेशनल कंपनीज है, एट द सेम टाइम्स हमें ये भी स्थैतिक पार्ट में या नॉलेज में ये भी मालूम होना चाहिए, उनका हेडक्वार्टर रेडमंड वाशिंगटन में, और आज उनके CEO जो है सत्य नाडेला था। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हमने ये देखा कि एशिया पैसिफिक में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो हमने मीटिंग देखी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखा, उनका नाम था एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी थी। मेन उद्देश्य साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक या निजी भागीदार होते हैं, उनको तेजी लाना या खतरे की कोई खुफिया जानकारी को शेयर करना या साझा करना, इस तरह का ये काउंसिल का काम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑलमोस्ट आज यहाँ हमने वी कवर द मोर देन द 6 पॉइंट
कवर हमने किए हुए हैं। एक फर्स्ट पॉइंट था सलमान रश्दी, उनका बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। नेक्स्ट पॉइंट हमने कवर किया जो वन नेशन वन स्टैंडर्ड, ये जो था RDSO का उनका मानांकन संगठन इसको दे दिया BIS ने। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमने कवर किया ब्रिक के बारे में, ब्रिक की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी और भारत देश ने उसको यहाँ पे होस्ट किया था, ये भी हमने देखा। 2 जून हम तेलंगाना का स्थापना दिन देखा। एट द सेम टाइम जो अजीत सिंह थे चीफ इन कमांड ऑफ अंडमान निकोबार की कमांडर को उन्होंने ये कंटिन्यू कर दिया, इसके बारे में देखा। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के IT प्लेटफॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 स्कीम को भी लॉन्च किया। और माइक्रोसॉफ्ट ने एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर जो साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लॉन्च किया, ये भी हमने देखा। मुझे पूरी उम्मीद है आज के इक्वेशन अगर इस ऑडियो के माध्यम से 1 या 2 बार आप अच्छी तरह से समझ सकते हो तो आप MCQ के ऊपर डेफिनेटली डिमांड कर सकते हो। इसी तरह के ऑडियो वीडियोस और MCQ को देखने के लिए यू आर मोस्ट वेलकम एट द टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वाचिंग टारगेट विद प्रोफेसर पीस पॉजिटिव विक। वी रिक्वेस्ट यू टू बी अ वॉलंटरी डोनेटर टू बिकम अ प्राइम एंड ट्राइड मोटिवेटर।